हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस करेंगे फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड अदर टीचर एग्जाम्स। चलिए पेपर शुरू करते हैं। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब दिन बहुत कम रह गए तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि पूरे 2 साल हो गए इस वैकेंसी को आए और अब एग्ज़ाम होगा 2020 में, तो इस बार तो करना ही है। जैसे भी करो बस करना ही है, तो लगे रहो। चलिए शुरू करते हैं। लसिका रुधिर से किस बात में भिन्न है, यानी जो लिम्फोसाइट्स है वो ब्लड से किस बात में डिफरेंट है? तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें केवल जो है ओनली WBC पाई जाती है, इसमें केवल WBC होती है। नेक्स्ट है, कशेरुकियों के रक्त में रक्त के लाल वर्णक में पाया जाने वाला लवण है, यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ब्लड में रेड कलर का जो पिगमेंट है वो होता है लोहा, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है और वो इसको रेड कलर देता है। नेक्स्ट है, हिस्टामिन श्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हिस्टामिन सिक्रीट होता है संयोजी ऊतकों से। नेक्स्ट है, हार्वेशियन नलिकाएं पाई जाती हैं। हार्वेशियन नलिकाएं जो वो स्तनधारियों की हड्डियों की विशेषता होती है और ये ह्यूमरस हड्डी के द्रव्य में उपस्थित होती हैं, ह्यूमरस में। नेक्स्ट है, चिकने पेशी रेशा तंतुओं का लाक्षणिक गुण है। तो जो चिकनी पेशी कोशिकाओं का लाक्षणिक गुण होता है कि इनका जो डायमीटर है वो 5 से 10 μm होता है और इनकी जो लंबाई होती है वो 30 से 200 μm होती है और ये तुर्क रूपी होती है और एकल और केंद्रकीय स्थित केंद्रक होता है इनमें। चिकनी पेशी उत्तक लगभग सभी अंगों में पाए जाती हैं, जो कि बाकी के उत्तकों के चारों तरफ आवरण या कवच जो है गुच्छक का शीत बनाती हैं। तो ये इसका हो जाएगा तुर्क रूपी शाखान्वित आधारीदार एक केंद्रकीय व अनैच्छिक। तो ये जो है चिकनी पेशी उत्तक जो है वो कंकाल यानी स्केलेटन और जो हमारा हार्ट है उनके पेशियों को तो उत्तकों से संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचे के रूप में भिन्न होते हैं और पेशीखंड और पेशी तंतु इनमें नहीं पाए जाते हैं और ये जो है वो धारीदार नहीं होते हैं और चिकने होते हैं। तो अधारीदार, एक केंद्र के, अशाखान्वित और अनैच्छिक होते हैं ये। नेक्स्ट है, रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करता है, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो लिम्फोसाइट से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है, तो इसमें जो है ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थि पदार्थों को जमा करना यानी संचय करना और कॉन्ड्रोक्लास्ट द्वारा पुनः अवशोषण होना, इससे जो है ये उपास्थि अस्थियों का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट है, विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉट में काम आता है, तो ये जो है प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम उत्तक उपकला उत्तक किसकी कोशाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती हैं, पाई जाती हैं? तो ये जो है जो स्क्वैमस कोशिकाएं हैं वो पतली चपटी और प्लेटों के समान होती है। इनमें केंद्र का आकार कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है और एपिथीलियम के प्रकार को पहचानने में ये सहायता करता है यानी हेल्प करता है। तो ये जो है गालों के भीतरी स्तर में जो है ये पाई जाएंगी और स्क्वैमस कोशिकाओं में उदाहरण के लिए से केंद्र क्षैतिज रहेगा, चपटे और अंडाकार प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये चपटी और पतली कोशिकाएँ होती हैं इसलिए। तो ये जो है मुंह में पाया जाएगा और रक्त वाहिनियाँ जो ब्लड वेसल्स है हृदय और फेफड़ों के अस्तर तथा त्वचा की बाह्य परत बनाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की एपिथीलियम या उपकला का उदाहरण है? तो ये जो है स्तंभाकार का उदाहरण है ये। सरल घनाकार एपिथीलियम बहुभुजी कोशिकाओं की जो है एकल परत से बनी होती है और इनमें लंबवत जो अगर हम इसको ट्रांसवर्सली लॉन्ग लंबवत काटेंगे तो उसमें घनाकार दिखाई पड़ती है
और ये घनाकार एपिथीलियम श्वसनी कोशिकाओं में पाई जाती है, और जबकि स्तंभाकार एपिथीलियम जो है ये लंबी बेलन की जो है सिलेंड्रिकल शेप कोशिकाएं होती हैं, और ये पेट के जो है इन अस्तर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित प्रोटीन कहलाते हैं, तो इसे जो है हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। कैसिन जो है वो होता है दूध का प्रोटीन होता है, और ऑसिन जो है वो अस्थि के आधार द्रव्य यानी मैट्रिक्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है ऑसिन। तो उपास्थि की मैट्रिक्स में जो होता है वो होता है कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसमेंट झिल्ली बनी होती है, तो बेसमेंट झिल्ली जो है वो मुलायम अकोशिकीय परत होती है जो बाह्यकोशिकीय पदार्थ से बनी होती है, किसी कोशिका की नहीं परंतु एपिथीलियम कोशिकाओं से जो है इसका उत्पाद होता है। तो ये जो है एपिथीलियम के नीचे पाई जाती है और इसकी आधारी सतह के संपर्क में रहती है। नेक्स्ट है धारीदार पेशियों के संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो इसमें जो है कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है माइक्रोफाइब्रिल, नहीं वो होती है सेक्रोमियर, पेशी खंड। माइक्रोफाइब्रिल जो है वो पेशी तंतु होता है, पेशी रेशों से बना तंतु होता है ये, और जेड बैंड जो है वो होता है सेक्रोमियर के दोनों सिरों को चिन्हित करते हैं ये, और क्रॉस पुल जो है वो मायोसिन के सिर सिरे पे जो है ये ऊपरी सिरे पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं, तो अनैच्छिक पेशियां जो है वो नहीं पाई जाएंगी मूत्र मार्ग की पेशियों में, इनके ऊपर जो है वो नियंत्रण रहता है हमारा, ये ऐच्छिक नियंत्रण में रहती हैं, मतलब जो हम छोटे होते हैं तभी ये अनैच्छिक होती हैं, उसके बाद तो इन पे जो है हमारा नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट है सक्रिय अणु को उत्तेजक अनुक्रियाएं आरंभ करने में सहायता करता है जब मास्ट कोशिकाएं कण विहीन होती हैं, तो मास्ट कोशिकाओं में जो है वो हिपेरिन और हिस्टामिन के कण पाए जाते हैं, और हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, और हिस्टामिन जो है वो वो जो है क्या करेगा दर्द उत्पन्न करता है, तो इंसुलिन इंसुलिन जो है वो क्या करेगा वो हमारा जो पेनक्रिया है उससे ये सिक्रीट होता है हार्मोन, और ये ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित पॉलीसेकेराइड बहुसेकेराइड कहलाती है, तो ये जो होती है कॉन्ड्रोइटिन। ओसिन जो है वो पाई जाएगी उपकला में, सॉरी ओसिन जो है वो प्रोटीन अस्थि के आधार द्रव्य यानी मैट्रिक्स में पाया जाता है ये, और कैसिन अभी हमने देखा था कि दूध का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है साधारण एपिथीलियम उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं, और ये क्या होता है सरल एपिथीलियम एक ऊतक है जो सघन व्यवस्थित कोशिकाओं की एकल परत है यानी जो है सिंगल लेयर है जो अकोशिकीय आधारीय बेसमेंट झिल्ली के ऊपर स्थित रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्थि का वह एक हिस्सा जो मेंढक की फीरम को एक सप्ताह तक तनु एचसीएल में रखा जाए, तो यानी उसका रंग काला हो जाएगा, आकार में सिकुड़ जाएगा, लोचदार हो जाएगा या टुकड़ों में टूट जाएगा। तो जब एक अस्थि को हम तनु अम्ल जैसे एचसीएल में रखेंगे कुछ दिनों के लिए रखेंगे तो उसका जो कैल्शियम आयन है वो उसमें घुल जाता है, और ये मुलायम लोचदार और कार्बनिक आधार द्रव्य जो है उसमें बच जाता है क्योंकि कैल्शियम तो है उसमें डिसॉल्व हो गया है और सिर्फ ये बच जाएगा, तो वो लोचदार हो जाएगी उसमें लचीली हो जाएगी, ये प्रक्रिया जो है वो
कैल्सीकरण कहलाती है। और यदि एक अस्थि को अगर हम उसमें रखें KOH में, तो ये अब अप्रभावित रहती है। इसमें केवल आसपास की पेशियां और जो संयोजी ऊतक है वो घुल जाते हैं, और अस्थि जो है इसमें साफ दिखाई देती है। तो ये जो है दो डिफरेंट उसमें रखने का कि किससे क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं? तो इसमें एपिथेलियम कोशिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं। तो एपिथेलियम जो है वो क्या करता है, उत्तक सघन व्यवस्थित कोशिकाओं की एक या उससे अधिक जो है स्तरों में बना होता है, जो बेसमेंट झिल्ली के ऊपर रहता है। नेक्स्ट ग्रंथि कोशिकाएं जो विशिष्टीकृत एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, और ये शरीर में काम आने वाले जो रसायनों का श्रावण करती हैं। और उसके अलावा जो पेशीय उत्तक हैं वो लंबी संकुचनशील कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम मायोसाइट्स कहते हैं, उनकी बनी होती हैं। तो इसमें कौन सी पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती है? तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं यानी जो जो नर्व सेल्स हैं वो परत नहीं बनाएंगी, और सर जो स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट रहती है इन सब से। नेक्स्ट है, घायल अवस्था में नसिका पट क्षतिग्रस्त हो जाए तो उनके पुनरुद्धार के लिए कौन सी उपास्थि अपेक्षाकृत उपयुक्त होती है? तो इनके लिए जो है हाइलिन उपास्थि जो है वो उपयुक्त रहेगी। ये दृढ़ और आंशिक रूप से इलास्टिक होती है, लोचदार होती है, और ये स्पष्ट आधार द्रव्य वाली होती है। इलास्टिक उपास्थि जो है वो बाह्य कण में पाई जाती है, जो हमारा एक्सटर्नल जो ईयर है उसमें पाई जाती है। ये इलास्टिक जो है, जो कार्टिलेज है ये। तो कैल्सीकृत उपास्थि जो है सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। इलास्टिक उपास्थि जो है ये हमारा कान जो है, हमारा जो नोज है वहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। और कैल्सीकृत जो है वो पाई जाएगी सुपर स्कैपुला में पाई जाती है, और रेशेदार जो है वो किस में पाई जाएगी, ये अंतर कशेरुकीय वलय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी कोशिकाओं के किनारे पे कौन सी उपास्थि उपस्थित होती है? तो इनमें जो है रहेगी हाइलिन उपास्थि। नेक्स्ट है, निम्न में किस में सर्वाधिक मात्रा में बाह्य कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है? तो ये अंतराली उत्तक जो है इनमें पाया जाएगा। ये इसमें सबसे कम विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक होता है, और सबसे बड़ी मात्रा में जो है इनमें बाह्य कोशिकीय पदार्थ और रक्त व तंत्रिका पूर्ति का आधिक्य होता है इनमें। यानी ये जो है सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे कोशिकीय पदार्थ और जो ये सब पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोजी उत्तक जो कि मांस कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये होते हैं हिपेरिन और हिस्टामिन। ये क्वेश्चन ऊपर आया था पहले भी, वैसोप्रेसिन और जो है वो पीयूष ग्रंथि के पशपिंड द्वारा जो है यानी जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे सिक्रीट होता है। रिलैक्सिन जो है वो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड से सिक्रीट होता है। सेरेटोनिन जो है वो मेलानिन, और सेरेटोनिन और मेलानिन जो है वो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उसके मिडल पार्ट से जो है ये सिक्रीट होते हैं, मध्य पिंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी संकुचन के लिए आवश्यक एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। तो एटीपेज एंजाइम जो है वो मायोसिन के क्रॉस पुल सिरों पर स्थित रहता है, तो मायोसिन में ये रहेगा। और एक्टिन जो है या फिर आई बैंड बनाता है, और संकुचन के समय एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसलता रहता है। तो एक्टिनिन जो है उसका पेशी संकुचन से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो मायोसिन क्रॉस पुलों से संबंध स्थापित करने से जो है ये जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसे रक्त प्रवाह में मिलाने पर इसके प्रवेशी क्षेत्र में रक्त का स्कंदन हो जाएगा? तो इसमें से अगर हम मिलाएं, देखो फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रक्त का थक्का बनाने वाले कारक होते हैं। जैसे कि फाइब्रिनोजन जो है फर्स्ट है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो सेकंड कारक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थर्ड कारक है, ओके। और हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो शक्ति जो डैमेज प्लेटलेट्स
होती हैं, या फिर उत्तकों द्वारा ये जो उनसे ये स्रावित होता है। और प्रोथ्रोम्बिन को जो है कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में जो ये बदलता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है जो कि रक्त का थक्का बनाता है। तो फाइब्रिनोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराली संयोजी उत्तक जोड़ता है। तो अंतराली संयोजी उत्तक में जो है तंत्रिका तंतु यानी नर्वस सेल्स और नर्व सेल्स और रक्त वाहिनियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, मतलब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ये। तो ये आवरण की पेशियों से जो है ये उत्तक को जोड़ेगा। ये पेशियों को तंत्रिका रक्त वाहिनियों द्वारा त्वचा की एपिथीलियम से ये जो है जुड़ी रहती है हमारे, और शरीर के बाकी के जो अंगों को भी आपस में जोड़ना जो है इनका मेन जो है फंक्शन रहता है। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं श्रावित करती हैं यानी सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करेंगी मास्ट कोशिकाएं? तो ये करेंगी हिस्टामिन का सिक्रीशन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिका संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होगी? तो यहाँ जो है ये होगा पक्षमाभ उपकला में, जिसमें आधारी कणिका से निकलने वाली अनेकों कोमल रोम सदृश अभिवृद्धियाँ लगी रहती हैं, जिसे हम रोमाभ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाओं युक्त परत कहलाती है। तो ये सबसे अंदर की जो है एक कोशिका मोटी तथा स्तंभकार एपिथीलियम कोशिका की बनी होती है, जिसे हम स्टैटम मेलपिजी या स्टैटम जनरेटिवम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है त्वचा में उपस्थित रोम है। तो ये जो है होता है उत्पत्ति में एपिडर्मल और मृत कोशिका के बने रहते हैं ये। प्रत्येक रोम एक नलिका छिद्र में होता है, जिसे हम रोम गुटिका कहते हैं, और जो सिक्योरिटी हुई एपिडिडर्मस अंकुरण स्तर से बनी होती है, और जीवित कोशिका केवल रोम के आधार पर होती है, और ये जिसे हम रोम पैपिला कहते हैं। और बाकी का जो हमारा जो हेयर है, हेयर फॉलिकल जो है वो मृत होता है, जैसे बाह्य क्यूटिकल, और बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट है उसे मेडुला में बांटा जा सकता है। ओके, इससे रुधिर वाहिनियाँ बनी होती हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स, ये किसकी बनी होती हैं? ये केवल एंडोथीलियम की बनी होती है मेनली जो है। ये तीन स्तरों की बनी होती है, सबसे बाह्य वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसे ढीली संयोजी ऊतक और कोलेजन तंतु लसिका वाहिनियाँ होती है। बीच वाली जो है ट्यूनिका मीडिया होती है, जैसे चक्रीय चिकने पेशी तंतु और कुछ इलास्टिक तंतु होते हैं, जबकि सबसे अंदर की जो होती है वो ट्यूनिका इंटरना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाली पेशी उत्तक के प्रकार को सही मिलाया गया है? तो यहाँ देखिए, आयरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी, उदर भित्ति चिकनी पेशी, ये वाला बिल्कुल सही है। उदरीय भित्ति की संरचना जो है वो वक्षीय भित्ति की तरह होती है, इनमें तीन परतें होती है, बाहरी, भीतरी और अंतस्थ है। और वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं जो हैं उनकी भीतरी और अंतस्थ परतों के बीच में ही होती है। उदर को जो है हम नौ उदरीय भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें से किसी भाग में जो है महसूस की गई पीड़ा उदरीय भित्ति से ही शुरू होती है, जो कि चिकनी पेशियों से बना रहता है, हमारा जो है स्मूथ मसल से ही बना रहेगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, कि श्वसनिकाओं तथा फेलोपी नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक किस श्रेणी का होता है? तो ये जो है पक्षमाभी श्रेणी का होगा। तो रोमापी उपकला में जो है सरल स्तंभी उपकलाएं कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा स्वतंत्र सिरों पर जो है महीन बाल के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। सीलिया जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है रिदमेटिकली लहर की तरह गति करती हैं। ओके,
तो श्वसनी कोशिका और फेलोपिनेलिकाओं में जो है पक्षमा भी तरह की जो है ये उपकलाएँ उत्तक से ये बनी रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।